आलोक जी, जब अनवांटेड जो चैनल्स है ना, उपस्थित हैं श्री पंकज सिंह विधायक नोएडा, श्री धीरेन्द्र सिंह भैया हम जगह यार खराब मत करे फोटो यार विधायक काजी, स्वागत संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी लोगों से निवेदन। तो गाने गाते गाते थोड़ा सा साउंड चेक हुआ कि ये होता कारीगर। आज फॉर्मली यहाँ पे कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है और ये पहला कार्यक्रम है शिल्प उत्सव के नाम से इसका आयोजन किया गया है। पहले कार्यक्रम का मुख्य थीम न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर के विभिन्न राज्यों से आए हुए आर्टिजन्स बुनकर उनकी जितने भी सामान हैं उनको एग्जिबिट कर उनके रोज़गार को बढ़ावा देना है। नोएडा हाट मैं यह भी बताना चाहूँगी, नोएडा हाट यद्यपि दिल्ली हाट की तर्ज पर यहाँ बना है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण द्वारा पूरा प्रयास किया गया है कि दिल्ली हाट से ये एक कदम आगे ही हो। नोएडा शहर तैयार हो चुका है, चूँकि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसी शहर के नाम पर उसका नाम रखा गया और इसको विश्व की कहूँ देश की कहूँ सबसे हंसी हाट बनाया। ये नोएडा क्षेत्रवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं इसमें जो शिल्पकार हैं जो कलाकार हैं नोएडा में लगातार आप सब लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2-2.5 साल में बहुत सारे परिवर्तन आए। मैं ये तो नहीं कहता कि सब चीज़ें जो अपेक्षा सबने की थी वो सब कुछ पूरी हो गई, सब ठीक हो गया, कहीं पर भी अब कोई कमी रही ही नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं कहता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जैसी अपेक्षा नोएडा के लोगों ने की थी उसी अनुसार नोएडा आगे बढ़ रहा है। और हम सब लोगों की यह कोशिश है कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लेकिन अभी जो बहुत सारी चीज़ें करनी हैं वह आप सब लोगों के साथ मिलकर आपकी अपेक्षाओं और आपके विश्वास के अनुरूप ही वह हम सब लोग करेंगे। मैं तो यूं ही रेत के ढेर में चला रहा था उंगलियां, ये बात और है कि एक तस्वीर बन गई, नोएडा बन गया, ये सिला मिला है मुझको आप सबकी दोस्ती के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, कि हजार गम लगे हैं, कि हजार गम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे, ये सिला